नमस्कार अभिनंदन। आज की संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो संपूर्ण संसार को विश्व एकता के सूत्र में बांधता है, उसका पाठ पढ़ाता है। अतिथि देवो भव की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्वम की भावना केवल भारत में ही पाई जाती है और प्रत्येक भारतीय इस भावना को मन से स्वीकार कर इसका अनुसरण करता है, इसे मानता है। और इसी सुंदर भाव पर आधारित है हमारा आज का पाठ विश्व बंधुत्वम, जिसका अर्थ है विश्व के प्रति बंधुत्व का भाव, या हम ये कह सकते हैं कि अपनेपन का भाव। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं कि विश्व बंधुत्वता की भावना को अपनाने से हमें क्या लाभ हैं और इस विश्व को क्या लाभ हैं और क्यों हमें यह भाव अपने मन में जगाना चाहिए और इसे मानना चाहिए। प्रत्येक शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ते हुए उसके अनुवाद को हम सीखेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे और उसे ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो आवश्यक है कि हम यह जानें कि बंधु कौन होता है और फिर तभी हम इस बात को जान पाएंगे कि किस प्रकार बंधुत्व का भाव हमारे मन में जागृत हो सकता है और हमारे लिए लाभदायक हो सकता है, न केवल हमारे लिए बल्कि इस समाज, इस देश और संपूर्ण विश्व के लिए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे दैनंदिने व्यवहारे च यह सहायताम करोति सह बंधु भवति। कि उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष अर्थात अकाल में, राष्ट्र विप्लवे अर्थात राष्ट्र पर विपत्ति आने के समय और दैनिक व्यवहार में च यह सहायताम करोति। और हम बोल चुके हैं च का तात्पर्य है और, यह जो सहायताम करोति सहायता करता है सह बंधु भवति, वही बंधु अर्थात भाई होता है। यदि विश्व सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृशः भावः यह भाव हो, तदा विश्व बंधुत्वम संभवति, तभी विश्व में विश्व बंधुत्व संभव है। अर्थात यदि विश्व में सबके मन में यह भाव होता है कि बंधु कौन है जो हमारी उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र पर विपत्ति आने में और दैनिक व्यवहार में सहायता करता है, वही बंधु है। और जब ये भाव हम सब जानते हैं और मानते हैं तो ही विश्व में विश्व बंधुत्व का भाव आ सकता है। अगले पैराग्राफ की तरफ पढ़ते हैं, अगले अनुच्छेद का अनुवाद समझते हैं। परंतु अधिना निखिले संसारे कलहस्य अशांति च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना आजकल निखिले संसारे संपूर्ण संसार में कलहस्य अशांति च वातावरणम, कलह और अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम न विश्वसंति, मानव एक दूसरे पर न विश्वसंति विश्वास नहीं करते हैं। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयति, वे दूसरे के कष्ट को अपने कष्ट जैसा नहीं गिनते हैं, मतलब न मानते हैं। यानी कि अगर हमें कष्ट है तो कष्ट है, लेकिन अगर दूसरे को कष्ट है तो हम उसे नहीं समझ सकते। अपि च समर्था देशा असमर्था देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति। अपि च और यह भी कि एक समर्थ देश जो हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं।
समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये जो देश समर्थ हैं और जो असमर्थ, यानी कि जो किसी भी कदम को उठाने में समर्थ नहीं है, किसी की सहायता करने में समर्थ नहीं है, ऐसे असमर्थ देशों को वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं, ना कि इस दृष्टि से कि यदि हम उनकी मदद कर दें तो वहाँ के लोग भी हमारे देश की तरह संपन्न हो सकते हैं। मगर ऐसा नहीं है, वे उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं कि हमारे पास तो है, ये तो ऐसे ही लोग हैं, इनके साथ क्या वो करना है ना, जस्ट लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं आगे बढ़ें, तेषाम उपरी स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, तेषाम उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विदेशस्य विद्वेष सस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेष की भावना, शत्रुता और हिंसा की भावना ही दिखाई देती है। यानी कि हर तरफ चारों तरफ क्या दिखाई देता है कि हमें द्वेष, यानी कि एक दूसरे से जलन, शत्रुता और हिंसा की भावना ही दिखाई देती है। देशानाम विकास है अपि अवरुद्ध भवति, देशों का विकास भी अवरुद्ध यानी कि रुक गया है। यह महती आवश्यकता वर्तते, यह बहुत अधिक आवश्यकता है कि एक देश अप्रेण देशेन, कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन, निर्मल हृदय से बंधुतायाः बंधुता का व्यवहार करना चाहिए। कि यह आवश्यक है कि एक देश को दूसरे देश के प्रति बंधुता या का भाव रखना चाहिए हृदय से। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है, विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसित देशों मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तब विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो होगी, स्वस्थ प्रतियोगिता होगी आगे बढ़ने की, जिसमें आगे तो बढ़ेंगे लेकिन एक दूसरे को गिराकर नहीं, एक दूसरे के साथ। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, और सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भाव से सहयोग से समृद्धिं प्राप्तुं समर्था भविष्यन्ति, समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र सब जगह समान रूप से प्रसृति प्रसारित होगा या फैलता है। कहने का मतलब यह है कि सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सभी के पास समान रूप से फैलता है, प्रसृति फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वे निर्भरति, और प्रकृति भी सबके साथ समानता का व्यवहार करती है, प्रकृति भी सबके साथ समानता का व्यवहार करती है। तस्मा भी सर्वई परस्परम वैरभावम अपहाय, इसलिए हम सभी को भी सर्वई परस्परम वैरभावम, हम सभी को परस्पर एक दूसरे के प्रति शत्रुता के को त्याग कर विश्व बंधुत्व को स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत, और विश्व के कल्याण के लिए यह भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना, वह हम इस श्लोक के द्वारा स्पष्ट करते हैं। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। यह एक बड़ा ही सुंदर श्लोक है और इस श्लोक को आप कंठस्थ भी करेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। तो पुनः सुने, अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम्। जी हाँ, अयम निजः परोवेति, अयम यह, निजम मेरा अपना है, परोवेति
इति यह दूसरे का है, कि यह मेरा है और यह पराया है। गणनाम लघु चेतसाम, ऐसी गणना, ऐसी गिनती, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले रखते हैं। जबकि उदार चरिता नाम तु, उदार चरित्र वालों के लिए, उदार मन वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, यह सारी पृथ्वी ही कुटुंब के समान है। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंब के समान है। वसुधैव यह वसुधा, यह पृथ्वी कुटुंब के समान है। अयम निजह परो वेति गणनाम लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इसी भावना के साथ कि हम पूरी पृथ्वी को अपने कुटुंब, अपने परिवार के समान मानेंगे, दूसरों के दुख को, परेशानियों को अपने दुख और परेशानियों के समान मानते हुए उनके निवारण का प्रयास करेंगे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी से बैर भाव न रखते हुए सहायता के लिए तत्पर रहेंगे, जिस प्रकार हम अपने पारिवारिक लोगों के लिए रहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।